महाराष्ट्र को आज मिलेगा मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रखेंगे संग बुनियाद। इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने के साथ खुलेंगे बैन-उल-अक़वामी तिजारत के नए दरवाजे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 से करेंगे खिताब। पॉलिसी साज, सीनियर बैंकर्स, माहिरीन तालीम, भारत और मुख्तलिफ ममालिक के सनअती रहनुमा करेंगे शिरकत। बीजेपी आज हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। कल बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नामों पर किया गया गौर। 5 सितंबर से शुरू होगा नामजदगी का अमल। झारखंड के साबिक वजीर आला चांपाई सोरेन के नए सियासी सफर का आज से होगा आगाज। रांची में एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी में होंगे शामिल। वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 पर जगदम्बिका पाल की सदारत में जेपीसी की दूसरी मीटिंग आज। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के लोग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में पेश करेंगे तजावीज। गुजरात के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल संगीन। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का किया दौरा। हुकाम को अलर्ट रहने की दी हिदायत। खेलों में पेरिस पैरा ओलंपिक में आज बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चैलेंज। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अवनी लखेरा की कारकर्दगी पर रहेंगी निगाहें। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के करीब वाधवान में हिंदुस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। ये बंदरगाह इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देगी और बैन-उल-अक़वामी तिजारत के लिए नई राहें भी खोलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में दहानू के करीब वाधवान में हिंदुस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। ये बंदरगाह वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के जरिए बनाई गई एक खास मकसद के तहत SPV के जरिए तामीर की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 76,000 करोड़ रुपये है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कुलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल्स और दीगर तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की शामिल होगी। वाधवान बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाधवान में हर मौसम के ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट बड़ी बंदरगाह के तौर पर तैयार की जाएगी। मुंद्रा और JNPA दोनों की क्षमता लगभग एक जैसी है। दोनों की क्षमता 7.5 मिलियन कंटेनर, जिसको TU कहते हैं, वो है। इसकी क्षमता 23.4 मिलियन TUs होगी। तो ये लगभग जो अभी जो बंदरगाह हमारे है उनके तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। JNPA के चेयरमैन उन्मेष वाघ ने कहा है कि बंदरगाह मुजव्वजा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मुलहक है। ये बंदरगाह मुजव्वजा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए गेटवे के तौर पर भी काम कर सकती है। G20 में IMEC कॉरिडोर की जो बात हुई है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदरगाह होगा। वाधवान बंदरगाह हिंदुस्तान के समुद्री राब्तों को बढ़ा देगी और आलमी तिजारती मरकज के तौर पर इसकी पोजीशन को मजीद मजबूत करेगी। वाधवान बंदरगाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाहों में से एक होगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये बंदरगाह बैन-उल-अक़वामी जहाजरानी के रास्तों को बराह रास्त राब्ता फराहम करेगी। तवक्को है कि बंदरगाह से रोजगार के अहम मौके पैदा होंगे, मकामी कारोबार को फरोग मिलेगा और खित्ते की मजमूई इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा।
इस बंदरगाह की तामीर के बाद मकामी आबादी पुर उम्मीद है कि इससे रोजगार के बहुत से मौके बढ़ेंगे, जिससे इलाके की मईशत भी मजबूत होगी। एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का, वो वाडवन बंदर हमारे जिले में आ रहे हैं, इसलिए ये जिलावासी करके मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो वाडवन बंदर बना है वो सबसे पहले तो हमारे पालघर जिले के सबसे खुशी की बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के तारीख में भारत में सबसे बड़ा फोर्ट पालघर में आने वाला है और उस वजह से पालघर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री गतिशक्ति प्रोग्राम के मकासद के मुताबिक है, जिससे इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 12 लाख अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार फराहम करेगा, जिससे यहाँ की मईशत मुस्तहकम होगी। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में आने वाले समय में वाडवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, पालघर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के खसूसी इजलास से भी खिताब करेंगे। GFF का अहतमाम पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने मुश्तरक तौर पर किया है। कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 800 मुकर्रीन, पॉलिसी साज, रेगुलेटर, सीनियर बैंकर, सनअतकार और भारत और मुख्तलिफ ममालिक के माहरीन तालीम 350 से ज़्यादा सेशन से खिताब करेंगे। इस फिनटेक में ताज़ा तरीन इख्तरात को भी उजागर किया जाएगा। GFF 2024 में 20 से ज़्यादा सोची समझी क़यादत की रिपोर्ट और वाइट पेपर भी लॉन्च किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। नामों पर बातचीत के लिए कल बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग मुनाकिद की गई। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर मुनदा इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा समेत सीनियर लीडरों ने शिरकत की। रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में पार्टी सदर JP नड्डा के रिहायशगाह पर हुई। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह और वजीर आला नायब सिंह सैनी समेत कई लीडरों ने शिरकत की। कयास किया जा रहा है कि इस बार असेंबली इंतखाबात में पार्टी नए उम्मीदवारों को ज़्यादा मैदान में उतार सकती है। इन सब के अलावा हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के रियासती इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से उनकी रिहायशगाह पर भी मुलाकात की। और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के साबिक वज़ीर आला चंपाई सोरेन ने JMM से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं। वो आज BJP में शामिल होंगे। अगरचे उनका ये इकदाम JMM के लिए एक बड़ा धचका है, लेकिन उनकी BJP में शमूलियत कुल्हान में BJP को ज़रूर मजबूत कर देगी। चंपाई सोरेन रांची में मुनक़दा प्रोग्राम में BJP में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में झारखंड BJP के इंतखाबी इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान और शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा शिरकत करेंगे। इससे कबल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की वजूहत आवाम के साथ मुश्तरक की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन की क्यादत वाली पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि पार्टी ने अपनी समत खो दी थी। चंपाई सोरेन ने कहा है कि JMM उनके लिए एक ख़ानदान की तरह है और वो झारखंड के कबायलियों, दलितों और पसमानदा तबकात के बहुत करीब है और लड़ते रहेंगे। काबिल ज़िक्र है कि आम लोगों के मसाइल पर इससे पहले 27 अगस्त को चंपाई सोरेन ने ऐलान किया कि वो संथल परगना इलाके में कबायलियों की शिनाख्त को बचाने के लिए BJP में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP के अलावा कोई दूसरी सियासी पार्टी इस मसले पर संजीदा नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट हासिल करने की ही फिक्र है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरक कमेटी का दूसरा इजलास आज तलब किया गया है। JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल की सदारत में आज सुबह 11 बजे से पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीटिंग होगी। आज की मीटिंग में ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा मुंबई और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स दिल्ली के लोग वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी कमेटी गौरखास कर रही है। कमेटी को पार्लियामेंट के आइंदा इजलास के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इससे कबल JPC की पहली मीटिंग 22 अगस्त को नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। गुजरात में इन दिनों शदीद बारिश और सैलाब की वजह से निज़ामी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गया है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करनी पड़ रही है। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने वडोदरा पहुँच कर सरकारी स्कूलों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और आला हुकाम के साथ मीटिंग की। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने कहा है कि नुकसान का सर्वे किया जा रहा है, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द मदद मिल सके। रियासती हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पे सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। गुजरात में मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के कई हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल काफ़ी संगीन है। महकमा मौसम याद ने अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। इस दौरान मुमकिन तेज़ बारिश और तूफान की पेशनगोई के बाद CM भूपेंद्र पटेल वडोदरा से गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुँचे। उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुदरती आफात से राहत के लिए निज़ाम की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी राजकुमार और सीनियर सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। गुजरात में गुज़िश्ता 3 दिनों में तूफानी बारिश में 26 अफराद की जान तल्फ हुई है और तकरीबन 17,800 लोगों को सैलाब मुतासरा इलाकों से बचा लिया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर गहरा दबाव आज शुमाल मशरकी बहरा अरब में तूफान में बदल सकता है। आज सौराष्ट्र और कच्छ में अलग थलग मकामात पर इंतहाई तेज़ बारिश जारी रहने और उसके बाद कम होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक सौराष्ट्र पर चंद दिनों से बनने वाले गहरे दबाव के लिए साजगार हालात पैदा हो रहे हैं, जो बहरा अरब के ऊपर एक तूफान में तब्दील हो जाएगा। गुजरात पर गहरे दबाव की वजह से मगरब जनूब मगरब की तरफ बढ़ते हुए कच्छ और मलहका सौराष्ट्र और पाकिस्तान के साहिलों से शुमाल मशरकी बहरा अरब की तरफ बढ़ने की वजह से ये तूफान आज हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये आइंदा 2 रोज़ तक भारतीय साहिलों से शुमाल मशरकी बहरा अरब में मगरब जनूब मगरब की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज का दौरा करेंगे, जहां वो तालिबात से खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया यहां विकसित भारत में खवातीन का किरदार के उन्वान पर एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। बिहार कांग्रेस के सदर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट अखिलेश प्रसाद सिंह की जल्द रुखसती हो सकती है। जराए की अगर माने तो जल्द ही कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नए सदर के नाम का ऐलान हो सकता है। दरअसल बिहार कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश सिंह पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनके दौर में बिहार के कई सीनियर कांग्रेस लीडर पार्टी से अलग हो चुके हैं, यहां तक कि तर्जुमान ने भी कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली है। ऐसे में लालू यादव की पसंद समझे जाने वाले अखिलेश सिंह के काम करने के अंदाज पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अखिलेश सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। और मगरबी बंगाल के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में इस्मत दरी और कत्ल केस में डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। आज दिल्ली की तमाम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन खामोश एहतजाज करेंगे। राजीव चौक पर खामोश एहतजाज की कॉल दी गई है ताकि शोबाए तिब के पेशेवर अफराद के लिए हिफाजती इकदामात में इजाफा किया जा सके। काबिल जिक्र है कि आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर खामोश मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा हर हफ्ते में एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का खामोश एहतजाजी मार्च होगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के शिकार के मामले पर रियासती वजीर जंगलात अरुण कुमार सक्सेना ने कहा है कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और जल्द ही 2 को और पकड़ लिया जाएगा। महकमा जंगलात ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है, साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। DD न्यूज ने उत्तर प्रदेश के वजीर जंगलात अरुण कुमार सक्सेना से बातचीत की। बहराइच में भेड़ियों का आतंक इस समय है, तकरीबन वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ प्रदेश के वन मंत्री हैं, इनसे जानते हैं आज एक भेड़िया पकड़ा गया है, अब तक क्या स्थिति है भेड़िया ऑपरेशन को लेकर। देखिए, आपको मालूम है कि भेड़ियों ने वहां आतंक मचाया, एकदम से आ गए ये भेड़िए। जो हमने कैमरे लगाए हैं, ड्रोन लगाए हैं, उससे पता लगा कि कुल वहां पे 6 भेड़िए थे, जिसमें से 4 पकड़ गए, 2 अभी भी बाकी हैं। आखिर ये भेड़िए हिंसक क्यों हुए और लगभग 16 टीमें आप लोगों ने लगा रखी हैं जो दिन रात वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, क्या कुछ कारण रहे इसमें? देखिए, इधर बारिश ज़्यादा हुई, बाढ़ आई, जिससे जानवरों के रहने की जो थी जगह
जो मान बनाता है इस मेरे तरफ में पानी भर गया। जब भेड़िए को बैठने की जगह नहीं मिली वो शहर की तरफ को ऊंचे स्थानों की तरफ आया और यहाँ पर उसे गन्ने के खेत में सुरक्षित जगह भी मिल गई और उसे रहने का बैठने की जगह भी सूखी मिल गई। प्रधान वन संरक्षक वहीं पे मौजूद है टीम के साथ लीड कर रहे हैं, जिस हाँ। तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर हम हर तरह से सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और जहाँ भी है भेड़िया को चारों तरफ से घेर रहे हैं, केजेस लगाए गए, पिंजरे लगाए गए ताकि अगर इसमें आ जाए और नहीं तो जाल डाल के या ट्रैंकुलाइज करके उन्हें पकड़ा जाएगा और तुरंत पकड़ने के लिए उनको निर्देश दिए गए। तकरीबन 33 गांव के आसपास खतरा बताया जा रहा है, वो कितना बड़ा एरिया है आप तो वहाँ जाकर देख कर आए हैं? ये 35 गांव हैं, इन सभी गांवों में हमने जनता को इस काम में सहयोग के लिए अपील की है और उनसे कहा है कि वहाँ पे आए भेड़िया मित्र बनाइए, जो कि अगर किसी को कोई सूचना मिलती है वो और सब लोगों को दें। तो ये थे प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी, जो बता रहे थे कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, वहाँ 16 टीमें मौजूद हैं जो लगातार निगरानी रख रही हैं, ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही जो बचे 2 भेड़िए हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़ लखनऊ। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये असम से है। असम में मुस्लिम शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन होगा लाजमी, बच्चों की शादी और काजी सिस्टम पर लगेगी रोक, साबिका शादियों पर नहीं पड़ेगा इसका कोई असर। असेंबली में ये बिल मंजूर कर लिया गया है, अपोजिशन ने इस बिल की मजम्मत की है। इसके बाद की जो सुर्खी बनाई है राष्ट्रीय सहारा ने वो है जम्मू कश्मीर से मुतालिक। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस मरहले में 26 नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नामजदगियां 5 सितंबर तक कबूल की जाएंगी। नामजदगी के कागजात की जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी और कागजात वापस 9 सितंबर तक लिए जा सकते हैं। इसके बाद की तीसरी खबर जो है वो काफ़ी अहम है। पासपोर्ट पोर्टल डाउन हो गया है, 5 दिन तक नई दरख्वास्तें नाकाबिले कबूल हैं। जो लोग पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं उनको फ़िलहाल थोड़ा रुकना होगा। इसके बाद जो सुर्खी है वो है इनकलाब से, ख़वातीन मुखालिफ जराइम के ख़िलाफ़ हुकूमत सियासी मफादात से बालातर होकर काम करें, मायावती का बयान। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, सहाफत का रुख करते हैं, देखते हैं सुर्खियाँ क्या लगाई हैं। अमित शाह ने बंगाल के गवर्नर को दिल्ली तलब किया है और अमित शाह ने उनसे तफसीली बातचीत की है। उसके बाद की जो अगली खबर है वो है हमारा समाज से और ये INS आरीघाट के मुतालिक है। बहरिया की ताकत बढ़ाएगा ये आप दोस्त और इसको बहरिया में शामिल कर लिया गया है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। इसराइली फौज और फिलिस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने गजा की पट्टी में लड़ाई में 3 दिन के वक्फे पर इत्तफाक राय किया है ताकि तकरीबन 6,40,000 बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जा सकें। ये बात WHO के एक सीनियर एहलकार ने बताई है। उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन वस्ती गजा में 3 दिनों के वक्फे के साथ शुरू होगा, फिर जनूबी गजा में चलेगा जहां 3 दिन के लिए जंगबंदी होगी, जिसके बाद शुमाली गजा में जंगबंदी होगी। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में आज भारतीय खिलाड़ी पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा एथलेटिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी में राकेश कुमार और श्याम सुंदर मर्दों के कंपाउंड इवेंट में चैलेंज करेंगे, जबकि खवातीन के जुमरे में सरिता राउंड ऑफ 16 खेलेंगी। पैरा बैडमिंटन में आज सुहास हितराज और मनोज सरकार अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही नजरें 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अवनी लखेरा की कारकर्दगी पर भी पूरी तरह से मरकूज होंगी। इस बीच यूरोपियन फुटबॉल मुकाबले चैंपियंस लीग का ड्रॉ जुमरात को सामने आए। इस बार मुकाबला बड़ी तब्दीली के साथ है, इस बार टीमों की तादाद 32 से बढ़ाकर 36 कर दी गई है। मुकाबले में 4 पार्ट बनाए गए हैं, हर एक पार्ट में मौजूद हैं रॉयल मैड्रिड, लिवरपूल एक ही पार्ट में है। हर टीम इस बार 8 मैच खेलेगी, जिसमें आधे मैच होम और 8 टीमें होंगी, बराह रास्त राउंड ऑफ 16 में जाएंगे, टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे, जबकि 9वें से 24वें नंबर पर आने वाली टीमों को अगले राउंड में पहुँचने के लिए प्ले ऑफ मैच खेलने होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल।
और अब आपको एक दिलचस्प नज़ारे से लुत्फानंदोज कराते हैं। क्या आपने हाथियों के झुंड को एक साथ सब्जाजारों से लुत्फानंदोज होते हुए देखा है या फिर गहरी नींद में इन्हें सोते देखा है? अगर नहीं तो फिर देखिए तमिलनाडु के जुनूब मकरबी घाटों में अन्नामलाई पहाड़ियों का ये शानदार नज़ारा और हाथियों के झुंड। और आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। महाराष्ट्र को आज मिलेगा मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रखेंगे संग बुनियाद। इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने के साथ खुलेंगे बैन-उल-अक़वामी तिजारत के नए दरवाजे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 से करेंगे खिताब। पॉलिसी साज, सीनियर बैंकर्स, माहिरीन तालीम, भारत और मुख्तलिफ ममालिक के सनअती रहनुमा करेंगे शिरकत। बीजेपी आज हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। कल बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नामों पर किया गया गौर व खास। 5 सितंबर से शुरू होगा नामजदगी का अमल। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपाई सोरेन के नए सियासी सफर का आज से होगा आगाज। रांची में एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी में होंगे शामिल। वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 पर जगदम्बिका पाल की सदारत में जेपीसी की दूसरी मीटिंग आज। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट के लोग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में पेश करेंगे तजावीज। गुजरात के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल संगीन। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का किया दौरा। हुकाम को अलर्ट रहने की दी हिदायत। खेलों में पेरिस पैरालंपिक्स में आज बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चैलेंज। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अपनी लकीरों की कारकर्दगी पर रहेंगी निगाहें। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।